हेलो एवरीवन, आई एम विनीता एंड वेलकम बैक टू विनीताज किचन। तो आज हम बनाएंगे मीठे चावल। वन ऑफ द थिंग जो मेरे घर में बनती आई है स्पेशली संडे को, वो है मीठे चावल। आप इसे जर्दा पुलाव, मीठे चावल या मीठा भात भी बोल सकते हो, एंड इट्स अ वेरी टेस्टी डेजर्ट। तो आइए रेसिपी शुरू करते हैं। मीठे चावल बनाने के लिए हम एक पैन में 2 बड़ा चम्मच देसी घी लेंगे और इसे गर्म कर लेंगे। घी अब गर्म हो चुका है तो हम इसमें कुछ कटे हुए काजू, बादाम और पिस्ता डालकर इन्हें सुनहरा होने तक भून लेंगे। ये ड्राई फ्रूट्स अब थोड़े गोल्डन हो गए हैं तो अब हम इसमें किशमिश डाल देंगे और कटे हुए सूखे नारियल के टुकड़े डाल देंगे और इन्हें हम भून लेंगे। अगर आप किशमिश और नारियल को पहले डाल देंगे तो ये थोड़े जल जाएंगे। और ये देखिए किशमिश भुनने के बाद कितने अच्छे फूल गए हैं। सारे ड्राई फ्रूट्स को हमने भून लिया है तो हम इन्हें प्लेट में अलग निकाल लेंगे। और अब उसी पैन में हम 2 बड़ा चम्मच देसी घी लेंगे और उसे हम गरम कर लेंगे। घी अब गरम हो चुका है तो हम इसमें 1 दालचीनी का टुकड़ा और 2 इलायची डाल देंगे और इन्हें घी में हम भून लेंगे। अब हम इसी घी में ये बने हुए बासमती चावल डाल देंगे। तो चावल हमें ऐसा लेना है जो बनने के बाद जल्दी घुल ना जाए, तो हमें मोटा चावल लेना है। बासमती चावल के अलावा आप सिंपल चावल का भी यूज़ कर सकते हैं, बस वो थोड़ा मोटा होना चाहिए। चावल को हम घी में 2 से 3 मिनट तक हल्के हाथों से चलाते हुए भून लेंगे। गैस की फ्लेम को हमें मीडियम रखना है। चावल को भुनने के बाद हम इसमें डालेंगे ये केसर वाला दूध और इसे डालकर हम अच्छे से मिक्स करेंगे। केसर वाला दूध मिक्स करने के बाद हम इसमें डालेंगे 1 कप शक्कर और शक्कर डालकर हम इसे 5 मिनट के लिए ढक देंगे मीडियम फ्लेम पर, जिससे चीनी जल्दी मेल्ट हो जाएगी। ढक्कन को हम हटा देंगे और चावल को हम अच्छे से मिक्स करेंगे हल्के हाथों से। चावल को जल्दी जल्दी मिक्स नहीं करना है, नहीं तो ये टूट भी सकते हैं। और इस टाइम गैस की फ्लेम को भी हाई कर लेना है, जिससे चावल का जो एक्स्ट्रा पानी है वो सूख जाएगा। हम इसमें थोड़ी सी कुटी हुई इलायची और थोड़ी सी कुटी हुई जायफल डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पानी ऑलमोस्ट सूख गया है तो हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और चावल को हम कढ़ाई में ही सूखने देंगे। चावल को थोड़ा गीला रखना है तो अपने आप ही ये सेट हो जाएंगे गैस बंद करने के बाद, क्योंकि चावल को बहुत ज़्यादा देर तक गैस पर कुक नहीं करना है, नहीं तो ये चावल एकदम हार्ड हो जाएंगे। रोस्ट किए हुए सारे ड्राई फ्रूट्स हम इसमें ऐड करेंगे और चावल में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, मीठे चावल बनाते समय ध्यान देना है कि चावल में चीनी बराबर मात्रा में डालनी है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा चीनी डाल देंगे तो चावल गीले हो जाएंगे और आप उसे ज़्यादा देर तक गैस पर कुक करेंगे, जिससे चावल एकदम हार्ड हो जाएगा। इसलिए शुगर हमें एक सही मेज़रमेंट के साथ डालना है इसमें, जिससे आपके मीठे चावल भी एकदम परफेक्ट बनेंगे। और मीठे चावल खाने के लिए एकदम तैयार हैं। फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको मेरे आने वाले हर रेसिपी का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। सी यू सून विथ अ न्यू डिलीशियस रेसिपी। थैंक्स फॉर वॉचिंग विनीताज किचन।